जब किडनी खराब होती है तब उसके शुरुआती दौर में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते। जब तक इसका पता चलता है तब तक किडनी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर इससे कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। किडनी की बीमारी को 5 स्टेज में बांटा गया है, जिसमें शरीर की ऐसी सभी स्थितियों के बारे में बताया जाता है जो किडनी खराब होने की वजह से होती है। आज हम आपको किडनी के खराबी के स्टेज, उसके कारण और किडनी में खराबी के संकेतों के बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है कर्मा आयुर्वेदा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। आज हम किडनी में आने वाली खराबी के स्टेज के बारे में बात करेंगे। जब किडनी खराब होती है तो उसका इलाज उसकी स्टेज के आधार पर ही किया जाता है। किडनी खराबी का इलाज सिर्फ दवाइयों से हो जाएगा या किडनी के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी? इन सब के लिए किडनी खराबी की स्टेज जानना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं किडनी के बारे में कुछ खास तथ्यों की। सबसे पहले हम ये जान लें कि किडनी मानव शरीर के लिए इतनी जरूरी क्यों है। किडनी शरीर में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है, जिसका काम ब्लड को छानना, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर करना होता है, हड्डियों को मजबूत रखना होता है। जब किडनी में कोई खराबी आ जाती है तो ये अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी में खराबी अपने आप नहीं आती, इसके कुछ खास कारण होते हैं जिनके चलते किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। EGFR क्या होता है, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब बात करते हैं किडनी में खराबी के कुछ कारणों के बारे में, जिनके बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किडनी में खराबी खुद नहीं आती बल्कि इसके कुछ खास कारण होते हैं। किडनी खराबी का सबसे पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो यह संभव है कि उसकी किडनी में खराबी एक समय बाद आ ही जाएगी, क्योंकि हाई बीपी शरीर में सोडियम के अधिक होने की स्थिति में होता है, जिसके कारण ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। किडनी इस ब्लड को सही तरह से साफ नहीं कर पाती और वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और यही कारण कई बार हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी परेशानी को भी बनाता है। किडनी में खराबी का दूसरा कारण है डायबिटीज की समस्या। ये कारण भी हाई बीपी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सोडियम के स्थान पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसको किडनी सही मात्रा में साफ नहीं कर पाती और ऐसा ब्लड किडनी के टिश्यू को अंदर से डैमेज करता है, जिससे किडनी में समस्या आ जाती है। ब्लड में शुगर की अधिक मात्रा होने से शरीर में और भी कई दिक्कतें होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है गलत खान पान की आदत। जब आप ऐसे आहार का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जो बहुत अधिक स्पाइसी हो, या जब आप अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं, तो शरीर ऐसे आहार को सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे ये शरीर में जमा हो जाते हैं और ऐसे जहरीले आहार को किडनी सही तरह से बाहर नहीं कर पाती और किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी खराबी का अगला कारण है नियमित मात्रा में पानी न पीना। किडनी तब अपना काम सही ढंग से नहीं करती जब आप नियमित मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते। आपकी किडनी डिटॉक्स नहीं होती और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर नहीं कर पाती, जो किडनी में खराबी का कारण बनता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही मात्रा में पानी का सेवन करें ताकि आपकी किडनी अच्छे से डिटॉक्स हो। किडनी खराबी का एक और कारण है यूरिन रोकने की आदत। यूरिन रोकने की आदत अधिकतर लोगों में होती है। ऐसा तब होता है जब आप आलस करते हैं, आप अपने काम में बिजी होते हैं, या फिर आपको ऐसी आदत हो। आपको बता दें कि ऐसी आदत किडनी में खराबी का कारण बनती है, साथ ही ये यूरिन इन्फेक्शन का भी कारण बनती है। इसके लिए आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। तो ये हैं कुछ कारण जो आपकी किडनी खराबी का कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी में खराबी के कुछ संकेतों के बारे में, जो आगे चलकर आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। आपको यूरिन से जुड़ी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन भी शामिल है। किडनी खराबी का एक संकेत हाथ पैरों में सूजन आना भी हो सकता है। अगर आपको बुखार के साथ लगातार उल्टी हो रही है तो ये भी किडनी खराबी का लक्षण हो सकता है। जल्दी थकान लगना और भूख में कमी होना, इसके साथ ही असहनीय सिर दर्द, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होना किडनी खराबी को दर्शाता है। चक्कर जैसा महसूस होना और बार बार बेहोश होना भी किडनी खराबी का एक संकेत है। लगातार ठंड लगकर बुखार आना और वजन में कमी होना भी किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है। इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको अपने आप में या किसी और में नजर आए तो बिल्कुल इग्नोर न करें, क्योंकि ये लक्षण किडनी खराबी की वजह बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के स्टेज के बारे में और जानते हैं कि किस स्टेज में किडनी कितने प्रतिशत खराब होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पहला स्टेज, किडनी खराबी के स्टेज में किडनी की कार्यक्षमता 90 से 100% होती है। इस स्थिति में EGFR 90 मिलीलीटर पर मिनट से ज्यादा होता है। किडनी खराबी के स्टेज में मरीज में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। हो सकता है कि यूरिन में कुछ बदलाव नजर आए, जिनके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। किडनी खराबी की स्टेज का पता एक्सरे, MRI, CT स्कैन और सोनोग्राफी से लगाया जा सकता है।
क्रॉनिक किडनी डिजीज का दूसरा स्टेज किडनी खराबी की स्टेज में EGFR 60 से 89 मिलीलीटर पर मिनट होता है। ऐसे मरीजों में रात के समय फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या हो सकती है या यूरिन में कोई परेशानी नजर आ सकती है और हाई बीपी की परेशानी भी हो सकती है। इस स्टेज का पता यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में चल जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का तीसरा स्टेज, इसमें EGFR 30 से 59 मिलीलीटर पर मिनट होता है। इस स्थिति में यूरिन से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है जिसमें फोमी यूरिन और यूरिन के रंग में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। इस स्टेज का पता भी यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से चल जाता है जिसमें सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा भी बड़ी हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का फोर्थ स्टेज, सीकेडी की फोर्थ स्टेज में EGFR 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट होता है। किडनी खराबी के स्टेज में लक्षण अस्पष्ट होते हैं और ये बहुत तीव्र भी हो सकते हैं। इस स्टेज में शरीर में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्टेज में लक्षण साफ नजर आ जाते हैं जिनको इग्नोर करना हानि पहुंचा सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पांचवा और आखिरी स्टेज, सीकेडी की ये स्टेज बहुत ही गंभीर होती है क्योंकि इसके बाद किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी की स्थिति में EGFR 15% से कम रह जाता है। किडनी खराबी की ये स्टेज आखिरी स्टेज कहलाती है। किडनी की ऐसी अवस्था में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय रह जाते हैं। ये लक्षण ऐसा होता है कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है क्योंकि इस स्टेज में किडनी अपने काम को सही तरह से नहीं कर पाती जो शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है। तो ये है किडनी खराबी के पांच स्टेज। अब आपको बताते हैं कि EGFR क्या होता है। EGFR ब्लड को छानने की उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इस बात का पता चलता है कि किडनी कितनी मात्रा में ब्लड से क्रिएटिनिन को साफ कर पा रही है और इससे किडनी की कार्यक्षमता का भी पता चलता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है जिसका आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफ से भी दूर रहते हैं। तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें और किडनी में होने वाली समस्या का प्राकृतिक और सफल इलाज पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पता है G20 NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।